नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस देश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसके बाद इस देश के कानून को सबसे ज्यादा कोसा जाता है। यहाँ की न्याय प्रणाली को सबसे लचीली और धीमी कहा जाता है। यहाँ पीड़ितों को ये विश्वास नहीं होता कि उनको समय रहते न्याय मिलेगा भी या नहीं। कभी कभी तो इस देश में केस इतने लंबे चलते हैं कि न्याय मिलने से पीड़ित का जीवन ही खत्म हो जाता है। और ये सब होता है केवल उस न्याय प्रणाली के कारण जो हमारे देश में सालों से चली आ रही है। लेकिन अब वक्त आ चुका है बदलाव का। देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं। इस बदलाव में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होगी। ऐसे में चलिए बताते हैं कि कानूनी तौर पर आखिर क्या बदलाव होने वाला है। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इस नए कानून के लागू होने के बाद देश में आईपीसी और सीपीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। इसके अलावा अब किसी भी अपराध की एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इसके अलावा ब्रिटिश काल से चली आ रहे 3 कानून भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए क्रिमिनल कानून देश में लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। एफआईआर से लेकर कोर्ट के निर्णय तक की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के 3 के अंदर करनी होगी एफआईआर दर्ज, वरना होगी कड़ी कार्रवाई। 7 साल से ज्यादा सजा वाले कभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की जाएगी। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों के अंदर जमा करनी होगी रिपोर्ट। कोर्ट में पहली सुनवाई से पहले 60 दिनों के अंदर आरोप तय किया जाने का प्रावधान। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर करना होगा फैसला। भगौड़े अपराधियों को लेकर 90 दिनों के अंदर करना होगा केस दायर करने का प्रावधान। नाबालिग से गैंगरेप में होगी उम्र कैद या मौत की सजा। अब किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। चोरी 1 से अधिक बार करने वाले को 5 वर्ष तक के कारावास की सजा। बता दें कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी भारत में पनिशेबल क्राइम्स और उनके ट्रेनिंग प्रोसेस को लीगलाइज करने के लिए बनाए गए थे। आईपीसी क्रिमिनल लॉ से संबंधित है जबकि सीआरपीसी प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। आईपीसी में क्राइम की डेफिनेशन और उनके दंड के बारे में बताया गया है जबकि सीआरपीसी में दंड देने के दौरान अपनाई जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ये दोनों कोड मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि इंडियन ज्यूडिशियल सिस्टम के जरिए इफेक्टिव तरीके से न्याय प्रदान किया जा सके। देखा जाए तो हत्या मतलब धारा 302 और धोखाधड़ी मतलब धारा 420 लगभग सभी जानते हैं। लेकिन अब 1 जुलाई से हत्या का मतलब धारा 302 नहीं बल्कि धारा 103 और धोखाधड़ी का मतलब धारा 420 नहीं बल्कि धारा 316 होगा। वहीं जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भी अभी जो ट्रायल चल रहे हैं या जो अभी मुकदमा दर्ज है तो वो मौजूदा कानून के तहत ही उसका निपटारा होगा। लेकिन 1 तारीख के बाद से जो अपराध घटित होगा उसको नए कानून के हिसाब से बुक किया जाएगा और नए कानून के हिसाब से नए मामले में ट्रायल चलेगा। लेकिन पुराने मामले में जो अभी जो मौजूदा एग्जिस्टिंग कानून है उसी के तहत ट्रायल भी चलेगा और उसी के तहत इन्वेस्टिगेशन भी होगा। फिलहाल इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।